ना कहीं से दूर है मंजिले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, आलम इस्लाम, पूरी दुनिया और पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल। और चूँकि आज 11 रबीउल अव्वल है और कल 12 रबीउल अव्वल होगी, शाम को 6 बजे की बात बल्कि 12 रबीउल अव्वल शुरू हो चुकी है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो रबीउल अव्वल के हवाले से सजाई गई है, गलियां, मोहल्ले, चौराहा। तो इसी तरह इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के एरिया में, जहाँ पर रबीउल नूर शरीफ सिलसिले में सजावट की गई है। देख रहे होंगे आपके सामने सब गुंबद किसरा और उसकी सजावट आप देख रहे हैं। इसी तरह और भी जगहों पर जो है सजाई गई है, मस्जिद, गलियां, मोहल्ले, हम आपको वो भी दिखाएंगे। शायान शान तरीके से पूरी दुनिया और उस पाकिस्तान में मनाई जा रही है। इस पर बड़ी तादाद में लोग रात के समय देख रहे होंगे आप सड़कों पर मौजूद हैं और सफाया गया है पूरे कराची शहर को, कैंप लगाए गए हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं उस नबी के लिए जो खत्मुल अंबिया है, आखिरी नबी है, इनके बाद ना कोई नबी आया ना आएगा। एक बड़ी तादाद में लोगों ने रबीउल अव्वल को शायान शान मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। सबीलें लगाई गई हैं पानी की, चाय की और शरबत की, इसके अलावा लंगर का भी खासा इंतज़ाम है। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं जहाँ से लोगों को ये तमाम चीज़ें तकसीम की जा रही हैं, रैलियाँ भी चल रही हैं, इसमें बाइक रैली है, गाड़ियों की एक बड़ी रैली है और साथ साथ जो है पैदल भी जुलूस जो है निकाले जा रहे हैं रात के इस पहर। और कल चूँकि 12 के बाद कल शुरू हो गई है तो सुबह के वक्त में भी जुलूस निकाले जाएंगे और लोग इसी मजहबी जोश व जज्बे के साथ रबीउल अव्वल को मनाएंगे। इस वक्त मैं मलीर के इलाके सऊदाबाद में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि कैंप लगे हुए हैं जहाँ लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ रैलियाँ भी जारी हैं और नातों की आवाज़ जो है आपको हर जानब से आ रही होगी। ये सिलसिला कल रात तक यूँ ही जारी रहेगा और लोग अपने आखिरी नबी को शायान शान तरीके से और मजे की जोश व जज्बे के साथ सलाम पेश करते रहेंगे। मुझे जहां से बढ़ के अजीज दिल।